राजस्थान में निकाय व पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने BLO तैनात कर मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने की कार्रवाई को तेज कर दिया है, लेकिन इस कार्रवाई के बीच BLO को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के वार्ड नंबर 25 खानपुरा इलाके में पहुंचे BLO वोटर वेरिफिकेशन ऐप सही से काम नहीं होने के चलते परेशान है और वह ऐप के सही सुचारू नहीं होने के चलते वोटरों के नाम जुड़ नहीं पा रहे और ना ही वोटर के नाम हट पा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय पार्षद रईस अहमद, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा ने इस कार्रवाई को सही से सुचारू करने की मांग रखी है और उन्होंने कहा है कि ऐप सही से सुचारू नहीं करे तो फिर BLO को लैपटॉप व कंप्यूटर देकर बिठाया जाए जिससे कि वह फर्जी वोटर हट सके और एक सही मतदाता को जोड़ा जा सके। आज हमारे खानपुरा सरकारी स्कूल में सारे BLO बैठे हुए हैं। BLO को सबसे ज्यादा आज करीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं। BLO डोर टू डोर घर पे घूम रहे हैं और स्कूल में भी आज कैंप लगा है, लेकिन सारे वार्डवासी निराश होकर वापस जा रहे हैं क्योंकि BLO को सबसे ज्यादा समस्या एक ही आ रही है कि मोबाइल में जो ऐप दिया है सरकारी तंत्र ने, कलेक्टर साहब ने, वो ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है और उससे क्या है कि ये नाम ना जोड़ पा रहे हैं, ना जो यहाँ नहीं रह रहे हैं उनके घटा पा रहे हैं और जिनकी मृत्यु होगी उनके भी नाम नहीं काट पा रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि BLO के कोई अच्छे से अच्छा ऐप दिया जाए जिससे जल्दी से जल्दी काम हो और अर्थात हर सरकारी स्कूल में जो BLO बैठे उसके पास में एक सरकारी आदमी बैठे जो कि कंप्यूटर लेके बैठे ताकि जो सारे BLO डोर टू डोर जाके उनका काम करके आवे तो वो यहाँ पे आके कंप्यूटर से जल्दी उनको अपलोड करके और पब्लिक का नाम जोड़ सके जो कि आने वाले चुनावों में सारे मतदाता और बच्चे वोटर सारे के सारे जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो अपना अपना वोट देके और अपने अधिकार का मत उपयोग कर सके।